जय श्री कृष्णा। मैं प्रतीति जोशी हरदा से आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट के बिस्किट। एक कटोरी मैदा, घी, ड्राई फ्रूट्स, 2 चम्मच बेसन, पीसी शक्कर, थोड़ा सा दूध, खोपरा, इलायची पाउडर और एसेंस हैं जो हमें डालने हो, तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल एसेंस और रोज एसेंस लिया है। अब हम घी और शक्कर को अच्छे से मिक्स करेंगे, फेटेंगे जब तक ये बिल्कुल फ्लफी, एकदम क्रीमी ना हो जाए। इसमें हम फिर अब खोपरा, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट कटे हुए, बेसन, एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मैदा डाल देंगे। अभी इसको अच्छे हल्के हाथों से इस तरह से गूंथ लेंगे और फिर हम जिस तरह का भी शेप बिस्किट का देना चाहते हैं उस तरह से हल्का सा बेल के इसमें हम हल्के हाथों से ड्राई फ्रूट लगा देंगे। इसके बाद पीसेस कट करके थोड़ा सा दूध लगा देंगे ताकि अच्छा रेडिश सा कलर आ जाए सिकने पर। और अब हम इसको प्री हीट किए हुए 5 से 10 मिनट ओवन में हम इसको सिकने के लिए रख देंगे। ये एक बार के सिक गए हैं और बिस्किट मैंने रखे हैं ये डबल से, और 15 मिनट बाद ये रेडी हैं।